बिहार के छपरा में बीजेपी नेता के बेटे पीयूष कुमार की चाकुओं से गोदकर हत्या। नाराज बीजेपी नेताओं ने आज छपरा बंद का ऐलान किया है। पीयूष खुद भी बीजेपी से जुड़े हुए थे। बिहार के वैशाली में चोरी के आरोप में दो बच्चों की बंधक बनाकर पिटाई की गई। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बहनों से छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने भाई को पीटा। 10 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर। परिवार ने एसएसपी दफ्तर में लगाई गुहार। यूपी में बीटीसी के साल 2015 बैच के इम्तिहान में चौथे सेमेस्टर का पेपर कौशाम्बी में लीक। सभी परीक्षा रद्द की गई। यूपी के बलिया में जीएम कॉलेज में दबंगों ने छात्रों को पीटा। कॉलेज में भारत माता की जय बोलने पर पहले भी हुआ था बवाल। कानपुर में प्राइवेट अस्पताल में मरीज के साथ खिलवाड़। मरीज को सांस चलने पर भी मृत घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मंदिर परिसर में प्रेमी जोड़ी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वीडियो वायरल। पंजाब के सुजाना इलाके में चेकिंग के लिए रोकने पर रविंद्र कुमार नाम के कांस्टेबल को गोली मार दी गई। कांस्टेबल की हालत खतरे से बाहर। मध्य प्रदेश के उज्जैन के कार्यक्रम में मंत्री थावरचंद गहलोत से विधवा महिला ने लगाई गुहार। मंत्री के पैरों में 3 महीने का बच्चा रखा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शकील अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दिया। शकील पर कुछ दिनों पहले हुआ था जानलेवा हमला। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ा में पतंग के मांझे ने ली महिला डॉक्टर की जान। रास्ते में लटक रहे मांझे से डॉक्टर का गला कट गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 3 लोग कार समेत बांध के पास नहर में गिरे। सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पाकीज़ा मॉल में आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। 5 लोग जख्मी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक। झारखंड के जमशेदपुर से 60 किलोमीटर दूर मुसाबनी बाजार में भीषण आग से 60 दुकानें जलकर खाक। और उड़ीसा के मयूरभंज में स्कूली बच्चे खुली झोपड़ी के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है। मिड डे मील भी खुली छत के नीचे दिया जा रहा है। ये है एबीपी न्यूज़। आपको रखे आगे।